चौधरी जैन सिंह को पर लाठीचार्ज करने के विरोध में जाट महासभा का प्रदर्शन। पूर्व लोकसभा सांसद स्वर्गीय चरण सिंह के पोते जैन चौधरी पर हाथरस जाते समय स्थानीय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसके विरोध में प्रदेश के जाट समुदाय में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर अखिल भारतीय प्रदेश जाट महासभा द्वारा कलेक्टर पर प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया कि हाथरस कांड के चलते समस्त राजनीतिक दलों के नेता हाथरस जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन उनको रोकता आ रहा है। इसी क्रम में किसानों के नेता जैन चौधरी शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे कि रास्ते में स्थानीय पुलिस द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसकी जाट महासभा घोर निंदा करता है और प्रदेश सरकार से उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करता है। प्रदेश सरकार के इस हठधर्मी रवैये से प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। अगर प्रदेश सरकार द्वारा इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई, तो अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। सिंह चौधरी जी सर, आज ये कौन से संगठन की ओर से क्या था? आज ये जाट सभा की तरफ से एक हम राज्यपाल माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कल जैन चौधरी एक किसान नेता है, एक जाटों के नेता है, उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार करा है इन्होंने, उनका लाठीचार्ज करी है, जो एक बहुत ही घटिया काम करा है। हम उसका पूरी जाट समाज मुरादाबाद का विरोध करती है और अगर इन्होंने उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करी, तो जाट समाज पूरा आंदोलन करेगा, रोड जाम करेगा।